हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा थ्री फेस मीटर में कनेक्शन करने के लिए। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, ये देखिए जो ये मीटर है, थ्री फेस मीटर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे उखाड़ लेते हैं, ये निकल जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसमें 8 पॉइंट है जो इसमें वायर कनेक्ट होगी। तो फ्रेंड, इसमें 4 इनपुट होते हैं और 4 आउटपुट होते हैं। तो इसमें कनेक्शन कैसे करना है, कौन सा इनपुट है, कौन सा आउटपुट है, वो अभी कनेक्शन करके बतलाऊंगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम वायर इसमें रेड, येलो, ब्लू और एक न्यूट्रल का सफ़ेद हो या तो फिर ब्लैक भी ले सकते हैं। तो हम ये चारों वायर लेते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड, ये देखिए येलो है, इसका इंसुलेशन अच्छी तरह से 1 इंची छुड़ा लेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये ब्लू है, ठीक है, और ये वाइट है जो न्यूट्रल के लिए प्रयोग करेंगे, और ये रेड है, ठीक है। तो सभी का इंसुलेशन अच्छी तरह से हटा लेंगे, ठीक है, और उसे साफ कर लेंगे अच्छी तरह से। तो फ्रेंड, प्लास की सहायता से अच्छी तरह से इसका इंसुलेशन हटा लेंगे और उसके अंदर जो मेटल की वायर निकलेगी उसे अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। तो हम चलिए सभी को इंसुलेशन हटा लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, अच्छी तरह से इस तरह से इसका इंसुलेशन हटा करके और साफ कर लीजिएगा। तो हम सभी का इंसुलेशन हटा लिया हूँ और सभी को साफ करके इसे हम बांध दिया हूँ, ठीक है। तो देखिए सभी को इसी तरह, ठीक है, हटा लेना है। अब फ्रेंड, सबसे पहले रेड इनपुट करेंगे, तो यहाँ से हम ये नट को खोल लेंगे, दोनों को ढीला कर लेंगे, और रेड का इनपुट ये वायर है, ठीक है, जो यहाँ से इसे इनपुट देंगे और इसे अच्छी तरह से कस देंगे दोनों नट को, ठीक है। अब फ्रेंड, ये रेड का आउटपुट जो उसके बाद सेकेंड में है, ये इसका आउटपुट होगा रेड का। तो रेड का आउटपुट यहाँ से हम इसे कस देते हैं अच्छी तरह से। तो फ्रेंड, ये सबसे फर्स्ट इनपुट हुआ रेड का और उसके बाद रेड का आउटपुट जस्ट, ठीक है। अब फ्रेंड, येलो का इनपुट हम 3 नंबर से देंगे, ठीक है। तो तीसरा नंबर से येलो का इनपुट देते हैं, ठीक है। ध्यान रहे कि दोनों स्क्रू को अच्छी से कसी होनी चाहिए, और उसके बाद येलो का आउटपुट 4 नंबर जस्ट उसके बाद। तो फ्रेंड, ये तीसरा नंबर इसका इनपुट हुआ येलो का, तो हम इधर से इनपुट एक साइड कर देते हैं और आउटपुट सीधा रहता है। अब फ्रेंड, ये 5 नंबर में ब्लू इनपुट, ठीक है, तो हम 5 नंबर में ब्लू इनपुट करते हैं और इसे अच्छी तरह से कस देते हैं।
अब फ्रेंड इस ब्लू का आउटपुट जस्ट उसके बाद 6 नंबर में, ठीक है। फ्रेंड इसका इनपुट ए हुआ ब्लू का, तो ए सेट कर देते हैं और ए इसका आउटपुट है, ठीक है। ये सीधी वाली आउटपुट और जो इधर है जो इनपुट, थोड़ा सो मीटर को हम आर ऊपर कर देते हैं तो अच्छा से दिखाई देगा, ठीक है फ्रेंड। तो अब न्यूट्रल, फ्रेंड अब न्यूट्रल रह गया जो लास्ट में लगाएंगे 7 नंबर में इनपुट, ठीक है। और फ्रेंड ये जो है इधर कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए वायर निकाल दी गई है, ठीक है। इसे कंप्यूटर में कनेक्ट किया जाता है इसलिए ये वायर है जो इधर साइड में। तो फ्रेंड ये न्यूट्रल का इनपुट है, ठीक है। तो हम इसे इधर कर देते हैं और ये सबसे लास्ट में है जो न्यूट्रल का आउटपुट, ठीक है। फ्रेंड ये न्यूट्रल का आउटपुट लग गया सबसे किनारे, ठीक है। तो फ्रेंड ये 8 वायर लग चुकी है और इनपुट और आउटपुट आपको हम बतला दिए। सबसे फर्स्ट में इनपुट, उसके बाद आउटपुट, ए रेड का, उसके बाद येलो का इनपुट और जस्ट उसके बाद आउटपुट, उसके बाद ब्लू का उसी तरह और न्यूट्रल का उसी तरह। तो फ्रेंड देखिए इनपुट ये 4 वायर, देखिए रेड येलो ब्लू और न्यूट्रल जो वाइट का है, ठीक है। तो इस तरह से ये इनपुट हुआ ए साइड का और आउटपुट जो इधर सीधा में है वो आउटपुट है, ठीक है। तो ये चारों देखिए इधर, ये चारों इधर से आउटपुट और ये इधर जो है इनपुट। तो इस तरह से आप कनेक्शन कर सकते हैं 3-फेस मीटर में। तो ये फ्रेंड 3-फेस मीटर का है कनेक्शन, बहुत ही आसान है, आप इस तरह से अपने से कनेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।